तो हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? फोटो एडिटिंग सीखने के लिए सागर मेहरा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करोगे तभी हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आज आपके लिए मैं लाया हूँ कुछ पोर्ट्रेट एडिटिंग और कुछ कलर सेटिंग्स, जो है बहुत ही गजब की एडिटिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूँ मैं कैसी है ये एडिटिंग और किस तरह से होगी, ये भी आपको मैं बता दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कितनी ही अच्छी है मैंने एडिटिंग दिखाई आपको। तो हमारी जो रियल पिक है वो हमारी कुछ इस तरह की। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, गार्डन में आपको फ़ोटो शूट करवाना अपना और कुछ जंगल टाइप में। ठीक है, तो जहाँ पर ये हमारे सन के कार के कुछ फूल होंगे। ठीक है, चलिए हम फोटो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होगा वो होगा हमारा यहाँ पर लेंस प्रोफाइल स्टार्ट। ओके, तो यहाँ से हम एप्पल मॉडल ले लेंगे और इसको इन दोनों कम कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ठीक। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से इस ऑटो वाले को मोड को कर देना है क्लिक। उसके बाद जाना है आपने यहाँ पे कलर कलेक्शन में और मिक्स पे जाना है आपने। उसके बाद आपने इस येलो कलर की सैचुरेशन को कर देना है बिल्कुल ही कम, और यहाँ से ग्रीन कलर की ट्यून को कर देना आपने, बढ़ा देना है इसे यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से एडिट। और इसकी जो सैचुरेशन ल्यूमिनेंस है, व्यू है, उसको बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो चुका है एडिट। उसके बाद स्किन के कलर को कर लेंगे हम एडजस्ट थोड़ा सा लाइटनेस में, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा स्किन का कलर रहना चाहिए फेस पे। ठीक है, और यहाँ पर जो रेड कलर है वो लिप्स और ये थोड़ा सा ट्रैक्टर की टाइप में आ रहा है, तो हम इसे थोड़ी सैचुरेशन देख के ठीक कर लेंगे। ओके, तो अभी हो चुकी है हमारी फोटो एडिट। अभी हम इसे पहला पार्ट हमारा हो चुका है सेव, हम इसको कर लेंगे सेव। तो हम दूसरी बार इसे ऐड कर लेंगे अपने लाइट रूम में। ठीक है, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने में फ़ोटो बहुत टाइम लगता था इसलिए मैंने ये फ़ोटो दोबारा से ऐड कर ली है। तो अब दोबारा ऐड करने के बाद हम इसे फिर से ओपन कर लेंगे इसमें। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला ही स्टेप आपको कुछ नहीं करना है, लेंस प्रोफाइल पर जाना है फिर से और आपको मॉडल ले लेना है कुछ भी मैनुअली एप्पल। ओके, तो इसको 200 कर लेंगे तो पिक्स थोड़ी सी जूम हो जाएगी इससे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पे बेसिक्स पे जो प्रोफाइल्स और बेसिक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आर्टिस्ट 4 आपने ले लेना है यहाँ से। ठीक है, और इसको 200 कर देना है और यहाँ से कर देना आपने इसे डन। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे नॉइज रिडक्शन पे, नॉइज रिडक्शन को रख लेना आपने 70 के पास और कलर नॉइज रिडक्शन को भी 70 के पास। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपनी कलर सेटिंग्स की तरफ। अब जो कलर सेटिंग हमारी है, जो ये ग्रीन कलर है इसके ह्यू को हम बढ़ा देंगे यहाँ पे ब्लू हो जाएगा ताकि, और जो येलो कलर है इसकी सैचुरेशन हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे ताकि फूल थोड़े हमारे अच्छे दिखने लग जाए। ठीक है, उसके बाद जो स्किन की कलर है उसे हम कर लेंगे थोड़ा एडजस्ट। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो चुका है ये एडिट। ठीक है, उसके बाद जो रेड कलर की ह्यू सैचुरेशन बढ़ा लेंगे उसकी थोड़ी सी ल्यूमिनेंस इधर करके उसको सेट कर देंगे। फ्रेंड देख सकते हैं अभी आपका कलर कितना अच्छे से सेट हो चुका है। ओके, तो यहाँ से हम ब्लू कलर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे पिक के हिसाब से, थोड़ा बहुत अच्छा लगे। और यहाँ पे इसकी कलर सैचुरेशन को ब्लू वाले के ह्यू को बढ़ा के इसकी सैचुरेशन थोड़ा मैच कर देंगे इससे। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा हो चुका है ये एडिट। इसे कर देंगे यहाँ से हम डन और यहाँ से फिर से ऑटो पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और अब जो लास्ट स्टेप मैंने करना है इसमें आपको दिखा दूंगा। पहले पिक को हो जाने दीजिए, एकदम से इफेक्ट सारे लग जाने दीजिए। तब ये लग चुके हैं, अब उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, इसका क्लैरिटी डाल लेनी है आपने 10% और इसको 10% डाल लेना है। पिगमेंट को आपने कर लेना है थोड़ा सा कम, तो आप देख सकते हैं शेडो टाइप आ जाता है, और कुछ इसको भी हम कर लेंगे कम, इसकी ल्यूमिनेंस बढ़ा देंगे यहाँ से फेदर फेदर। तो अब आपके हो चुके पिक यहाँ से एडिट। ठीक है, तो आपका काम हो चुका है यहाँ से ख़त्म। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब सारा कुछ हो चुका है, आपको अपनी पिक को कर लेना है सेव। उसके बाद लेके जाना आपने ऑटोडेस्क में, तो वीडियो सेव कर वीडियो मैं ले आया हूँ फोटो को ऑटोडेस्क में। ऑटोडेस्क में हम रोटेट करके रखेंगे फ़ोन को,
क्योंकि मैं वीडियो इसी तरीके से बनाऊंगा तभी आपको कुछ समझ आएगा, ताकि इसमें सेटिंग करने के लिए रोटेट करना पड़ता है फ़ोन। तो हमने यहाँ पर फ़ोटो ऐड कर ली है, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है और इसकी क्लिक करके यहाँ से कलर बैलेंस को जाना है, ठीक है। इसके बाद हम कलर बैलेंस थोड़ा सेट कर लेंगे यहाँ पे पिक के हिसाब से, थोड़ा सा मैच हो जाए और यहाँ से आपका कलर थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिए कलर कितना अच्छा सा बैलेंस हो चुका है हमारी पिक के ऊपर, तो हम इसे कर देंगे यहाँ से डन, ठीक है। उसके बाद हम फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे इस वाले कलर को थोड़ा सा मैच करके कि कलर कौन सा ही ज़्यादा सेट बैठ रहा है। तो अभी आ चुका है कलर एकदम सेट, तो अपनी पिक को कर देंगे यहाँ से डन, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ से ब्रश ले लेना आपने, तो मैं ये वाला ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। और इसकी जो कलर सेटिंग है वो आप देख लेना। तो यहाँ से हम इसके एक सेकंड वो ब्रश देख लेता हूँ मैं कौन सा था वो, क्योंकि मेरे को भी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ब्रश यूज़ किया था, तो कुछ ये वाला ब्रश होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक एक्स्ट्रा लेयर ले लेनी है और यहाँ से ग्लो कर देना है, ठीक है। ग्लो करने के बाद आपको जहाँ पर वो रखना है हल्का हल्का उसे मार देना है बॉडी के पास, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कलर की सेटिंग करनी है, तो जैसे आपके पत्तों के पास हो गया, फूल के पास हो गया, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से इसको सेटिंग कर लेना, और कलर आपको ये वाला लेना है, ठीक है, ऑरेंज वाला, और यहाँ पर ग्लो करके रखना है। जैसे आपका ये कलर सेट हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फाइनली यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट इमेज पे जाएंगे। तो मैं जो इसमें एक स्नो पीएनजी यूज़ करूँगा वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लेना, ओके। तो मैं वो स्नो देख लेता हूँ कहाँ पे है, क्योंकि बहुत पुराना है, मैंने बहुत पहले यूज़ किया था। तो शायद से नीचे है, ये रहा वो स्नो पीएनजी, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक पे दे दूंगा मैं, अब वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लेना। अगर आपसे पीएनजी ना डाउनलोड हुआ तो मैंने एक वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लेना। तो आप इसको यहाँ से इस प्रकार कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ से ट्रांसलेशन कर लेना पिक के हिसाब से कि किस हिसाब से पिक पे बैठ रहा है। तो हम कर लेंगे कुछ इसे एडजस्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम इसका एक और डबल कर लेंगे इसे, और इसको यहाँ से ट्रांसलेशन कर लेंगे। जब ट्रांसलेशन करोगे तो ये पहले वाले स्टेप पे कर लेना, और कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर रख देना, ठीक है। फिर इससे थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, और यहाँ से इसे कर देंगे डन। फिर से दोबारा ट्रांसलेशन पे जाएंगे और अब इसे कर देंगे सेट कुछ इस तरीके से, थोड़ा बढ़िया से लगेगा, स्नो इफेक्ट आ रहा है। तो हम अब इस दोनों को हम कर देंगे यहाँ से मर्ज, और यहाँ पे जाएंगे फिर इस वाले इरेजर पे जाके जो फेस के ऊपर स्नो आ रहा है उसे हटा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर हो चुकी है हमारी वीडियो अच्छे से ही क्रिएट। तो प्लीज़ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके टेक केयर बाय बाय, ठीक है फ्रेंड। तो हो चुकी है हमारी यहाँ से वीडियो एकदम ही अच्छे से, ओके टेक।